नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन पाठशाला में। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज करा रहा हूं, उसमें ये तीसरा वीडियो है और आज हम देखेंगे कृषि कर्मण पुरस्कार से संबंधित 10 से 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके और भी वीडियो लगातार अभी इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, कृषि कर्मण अवार्ड में कृषि के किस पहलू पर ध्यान दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा उत्पादन। तो याद रखेंगे कृषि कर्मण अवार्ड में उत्पादन के पहलू पर ध्यान रखते हुए अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुल कितने राज्यों को कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे अभी 21 राज्यों को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अलग अलग फसल और अलग अलग क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। याद रखिए किसी एक राज्य को नहीं, बहुत सारे राज्यों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कृषि कर्मण अवार्ड समारोह का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो आपको ध्यान रखना है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। तो कृषि कर्मण अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ को किस वर्ष खाद्य उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2016-17। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ को जो अभी मिला है कृषि कर्मण पुरस्कार, वो 2016-17 के खाद्य उत्पादन के में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला है। आप सभी को ये तो पता है कि छत्तीसगढ़ को मिला है, बट किस वर्ष के लिए मिला है वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कर्मण पुरस्कार आयोजन के दौरान प्रदेश के कितने किसानों को पुरस्कृत किया। तो प्रदेश के छत्तीसगढ़ प्रदेश के दो किसानों को पुरस्कृत किया। इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है वीरेंद्र कुमार साहू और अदिति कश्यप। आपके लिए ये दूसरा नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये महिला है, तो पीएससी इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कुल कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार जीता है। तो छत्तीसगढ़ ने अब तक कुल 2 बार खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, कृषि कर्मण पुरस्कार समारोह में सम्मानित होने वाली अदिति कश्यप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से हैं। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखेंगे अदिति कश्यप जो है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रगतिशील किसान वीरेंद्र कुमार साहू व अदिति कश्यप को पुरस्कार स्वरूप कितनी धनराशि प्राप्त हुई है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 लाख रुपए। तो याद रखेंगे ये 2 लाख रुपए, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों को मिलाकर 2 लाख दिया गया है। इनका है कि वीरेंद्र कुमार साहू जी को 2 लाख रुपए और अदिति कश्यप जी को 2 लाख रुपए, तो दोनों को 2-2 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 में खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। तो याद रखेंगे 2017-18 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया उत्तराखंड को और 16-17 के लिए किसे दिया गया छत्तीसगढ़ को। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। अगला क्वेश्चन है, कृषि कर्मण पुरस्कार समारोह में सम्मानित होने वाले वीरेंद्र कुमार साहू छत्तीसगढ़ के किस जिले से हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी धमतरी। तो याद रखना है अदिति कश्यप जो है कबीरधाम की हैं और वीरेंद्र कुमार साहू जो है धमतरी के हैं। अब दोस्तों हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उनको क्विकली रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। कृषि कर्मण अवार्ड किस पहलू को ध्यान में रखकर दिया जाता है। तो उत्पादन में कितने राज्यों को दिया गया, तो कुल 21 राज्यों को दिया गया। कृषि कर्मण अवार्ड का किस राज्य में आयोजन हुआ, तो कर्नाटक में। छत्तीसगढ़ को किस वर्ष के लिए दिया गया, 2016-17 के लिए। छत्तीसगढ़ से कितने किसानों को पुरस्कृत किया गया, तो 2 किसानों को छत्तीसगढ़ ने कृषि कर्मण पुरस्कार खाद्यान्न उत्पादन के लिए कितने बार प्राप्त किया है, 2 बार। कृषि कर्मण पुरस्कार में सम्मानित होने वाली अदिति कश्यप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हैं, तो एक कबीरधाम से हैं। पुरस्कृत होने वाले दोनों किसान वीरेंद्र कुमार साहू व अदिति कश्यप को पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी गई, तो दोनों को 2-2 लाख रुपये। वर्ष 2017-18 में खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को मिला, तो उत्तराखंड को मिला है। कृषि कर्मण पुरस्कार समारोह में सम्मानित होने वाले वीरेंद्र कुमार साहू छत्तीसगढ़ के किस जिले से हैं, तो ये है धमतरी जिले से। अब देखिएगा मैंने आपके लिए एक लास्ट में क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान कृषि मंत्री इनमें से कौन है।
आपके ऑप्शन है रविंद्र चौबे, जय सिंह अग्रवाल, रुद्र कुमार, उमेश पटेल। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। इसका आंसर मैं जब आपके लिए केंद्रीय छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल से संबंधित जो वीडियो लेकर आऊँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें इसका आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता है इसका आंसर तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और डेली मॉर्निंग में उठकर करंट अफेयर और CGPSC प्रीलिम्स की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ उनके वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।